हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसका पार्ट वन मैंने पहले अपलोड किया था, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। इसमें सारी वीडियोस आगे जो आएंगी वो भी उसी में ही रहेंगी, तो आप लोगों को वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज आगे भी आती हैं तो आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकें। जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहते हैं, तो वो आप लोग के लिए प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। भाई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन्होंने जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्यूचर सूचकांक संख्या, लास्ट सूचकांक संख्या और पार्श्व सूचकांक संख्या डैश पर आधारित है। फिशर इंडेक्स नंबर, लास्ट इंडेक्स नंबर एंड पार्श्व इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन डैश। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो तीनों सूचकांक दे रखे हैं, जो कि आप निकालते हैं जो इंडेक्स नंबर है उसमें, वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड होते हैं गुणोत्तर माध्य पर, ज्योमेट्रिक मीन पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है। डैश इज द अदर नेम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, कंपोसाइट इंडेक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, तो उसका जो दूसरा नाम है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होते हैं वो सिंपल होते हैं या वेटेड होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करिए। जो इसका पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड करी थी, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये वेटेड होते हैं या फिर सिंपल होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचकांक संख्या बनाने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी समस्या हो सकती है? टू कंस्ट्रक्ट एंड इंडेक्स नंबर, विच वन कैन बी द प्रॉब्लम फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। बिग फॉर्मूला, टेलर्स जॉब, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम एक इंडेक्स नंबर बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, तो एक तरह से क्या होता है कि जो पिछले वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर में जो हुआ, या जिस किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, प्रोडक्शन या फिर उसकी प्राइस से रिलेटेड हो सकता है, और जो इस करेंट ईयर में है, तो दोनों में कितना क्या चेंजेस हो गए हैं, क्या परिवर्तन आया है, उसके लिए निकाला जाता है इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर उसको जब हम बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत बड़े फॉर्मूलाज हो जाते हैं, या फिर जो बहुत टायरिंग काम होता है, हम टायर्ड हो जाते हैं उसको करने में, या फिर सूचकांक संख्या का उद्देश्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि किस पर्पस से हम जो है इंडेक्स बना रहे हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है, हमें ये पता करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या को किस पद में वर्गीकृत किया जा सकता है? इन विच टर्म कैन द इंडेक्स नंबर बी कैटेगराइज, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, नंबर, नन ऑफ द अबव। तो सूचकांक संख्या होती है तो किसके किस उस पर निकाली जाती है, किस टर्म पे निकाली जाती है? तो निकाली जाती है चर पर, वेरिएबल्स पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या को एक विशेष प्रकार के डैश के रूप में जाना जाता है। इंडेक्स नंबर आर नोन एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डैश, एवरेज, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, नन। तो आप लोगों ने तो दस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, कोरिलेशन निकाला जाता है उसके बेस पर, उसके बाद डिस्पर्जन निकाला जाता है कि कितना उसमें विचरण है, क्या आपकेरण है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो हो जाते हैं एवरेज, एक अलग तरह के विशेष प्रकार के एवरेज ही होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या को आर्थिक डैश भी कहा जाता है। इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है आपका, ये बीकॉम का एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटेटिव हो, बीबीए का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है। तो क्या हो जाते हैं वो, एक तरह के क्या होते हैं, बैरोमीटर होते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आदर्श सूचकांक संख्या के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर्स, पार्श्व, लेस फेयर, नन। यहाँ पर जो आदर्श सूचकांक संख्या कहलाती है वो किसकी होती है? वो फिशर की होती है। जो फिशर है उनकी जो आदर्श है, उनके जो निकालते हैं हम इंडेक्स नंबर, उसको आदर्श संख्या माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आपको बताया था मैंने, कि दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है।
यहाँ पर जो प्रेशर का निर्देशांक होता है, जो प्रेशर के इंडेक्स नंबर होते हैं, वो इन दोनों ही निर्देशांक जो टेस्ट होते हैं उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए उसको क्या माना जाता है, आदर्श रिस्पॉन्स माना जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फिशर्स एडल इंडेक्स गिवन ए लेस्टर इंडेक्स इज इक्वल टू 110, पाशे इंडेक्स इज इक्वल टू 108। यहाँ पर आपको दे रखी है किसका, लेस्टर का, पाशे का इंडेक्स नंबर बता दिया। आपको क्या निकालना है, फिशर का निकालना है। फिशर के आदर्श सूचकांक की गणना करें जबकि आपके पास लेस्टर का और पाशे का सूचकांक इंडेक्स नंबर दे रखा है। तो जब वो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का लेस्टर का पाशे का दे रखा हो, तो सीधी सिंपल सा रहता है फिशर का निकालने में। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट लेस्टर इंडेक्स नंबर इंटू पाशे इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर रूट में रखिएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा फिर उसका हम रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना निकल करके हमारा आएगा, वो आ जाएगा 109, यानी कि 109। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। कुछ भी दे रखा हो आपका यहाँ पर, तो अगर लेस्टर और पाशे का बता रखा है, आपको फिशर का निकालना कहेगा, तो रूट में लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका रूट निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सूचकांक संख्या का उपयोग होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एन इंडेक्स नंबर, टू मेजर चेंज इन क्वांटिटी, टू मेजर चेंजेस इन डिमांड, टू मेजर चेंजेस इन प्राइस, टू मेजर चेंजेस इन वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो सूचकांक संख्या होती है, इंडेक्स नंबर होता है, उसका यूज जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है, मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए, मांग में परिवर्तन को मापने के लिए, कीमत में परिवर्तन को मापने के लिए, या फिर समय की अवधि में चरों में होने वाले परिवर्तनों को मापना। तो सबसे जो सही डिफिनेशन इसकी निकल के आ रही है वो यही है कि किसी समय अवधि में, किसी टाइम पीरियड में, जब हम देखते हैं कि किसी भी जो चर दे रखे हैं, वेरिएबल्स दे रखे हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि ये वेरिएबल से रिलेटेड होता है, उसमें किसी एक टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए उसको देखना। तो यहाँ पर एक आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांक संख्या का उपयोग करने की सीमाएं हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। क्योंकि हर चीज़ की अपनी कुछ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात जब आती है तो स्टैटिस्टिक्स वैसे तो होती है लेकिन पूरी तरह से 100% ट्रू हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरह की अप्लाइड हो या एनालिसिस हो, कुछ भी हो आपका, तो उसमें ये रहता है कि हम बिल्कुल उसके एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ 100% इतना ही होगा। तो कभी भी आप उसे देखिएगा, न्यूज़पेपर में देखिए या फिर जो है चैनल पर देखिए, तो कोई भी अगर आंकड़ों को बताया जाता है, कोई भी डेटा बताया जाता है, तो साथ में लिखा होता है लगभग या लमसम, ये नहीं क्या होता है कि 100% इतना ही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो उसकी सीमाएं हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन भी रहती है। तो यहाँ पर क्या उसकी सीमाएं हो जाएंगी कि इट इज ओनली यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म कंपैरिजन, इट इग्नोर्स द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, द यूज ऑफ ईच ऑफ द इंडेक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी इसमें सीमाएं बताई हुई हैं कि ये केवल अल्पकालीन तुलना के लिए उपयोगी है, ये वस्तु की मात्रा पर ध्यान नहीं देता है, प्रत्येक सूचकांक का उपयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सारी ही सीमाएं या सारी लिमिटेशन जो होती हैं वो इंडेक्स नंबर में होती हैं। ये अल्पकाल के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहती है, क्योंकि हर साल क्या होता है चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपने इनकम टैक्स का अभी आप लोग का पेपर हुआ है, तो आपने वहाँ पर देखी होगी कि इसमें हम लोग कैपिटल गेन जब निकालते हैं तो आप इंडेक्स नंबर दे रखा होता है, तो हर साल क्या होता है वो चेंज हो जाता है, इस साल जो था अगले साल चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है उसमें चेंजेस होते हैं, इसलिए ये शॉर्ट टर्म के लिए उपयोगी है, ये वस्तु की मात्रा पे ध्यान नहीं देता, क्वांटिटी पे नहीं देता, प्रत्येक सूचकांक का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए, यहाँ पर किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही हम इस चीज को कर रहे हैं, और उससे जो भी हमारे रिजल्ट निकल के आते हैं वो दूसरी चीजों पर क्या होंगे पूरी तरह से हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी सीमाएं हो जाएंगी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, डिटरमिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, प्राइस डिटरमिनेशन, कलेक्शन ऑफ एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड डाटा रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, उसका मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा आपूर्ति का निर्धारण, मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, रोजगार के संबंध में विस्तृत डेटा का संग्रह। उसका मेन काम जो होता है वो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टेस्ट करके ये भी आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों को लगाने वाली संस्था कौन सी है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा CSO। या हो सकता है आपसे जो है शॉर्ट में CSO पूछ ले और ये कहे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो भी क्या हो जाएगी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसका कब, इसकी स्थापना हुई थी, कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए।
ठीक कभी एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इसमें वीडियो जो आएगी तो वहां पर मैं इंक्लूड करूंगी इसका करेक्ट आंसर कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर जो इसका मेन काम होता है वो होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल फेलियर कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऑफ संक कॉस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण है उसे और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है, तो इसे सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण भी कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट में भी पूछ सकता है तो ध्यान में रखिएगा इसकी शॉर्ट फॉर्म भी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड एन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट डेटा ऑन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसे कि आपने पढ़ा था इसकी फुल फॉर्म NSSO, उसकी फुल फॉर्म थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वो क्या है, वो किस तरह की एक संगठन है, किस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपसे पूछ रहा है कि एक वाणिज्यिक बैंक है, एक विश्व बैंक की एक संस्था है, भारतीय मानव संस्थान से जुड़ा एक संगठन है, या फिर औपचारिक क्षेत्रीय स्तर पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार एक संस्था, एक उत्तरदायी संस्था है। तो वो क्या हो जाएगी, एन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट डेटा ऑन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, ये किसके अंतर्गत आता है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्टिंग नेशन वाइड सर्वे ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इस इट कम्स अंडर। क्वेश्चन में पूछने का मतलब यही है कि जो संस्था आपकी NSSO है ये किसके अंतर्गत आती है, किसके अंडर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि NSSO जो है वो किसके अंडर में आती है या किसके उसमें काम करती है, तो वो हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक डेटा आमतौर पर डैश द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक डेटा इज जनरली रिलीज्ड बाय डैश, प्लानिंग कमीशन, NSSO, फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI। तो जो इकोनॉमिक डेटा होता है वो कौन रिलीज करता है या कौन उसको जो पब्लिश करता है, आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो ये पब्लिश करता है NSSO यानी कि NSSO अभी आपको फुलफॉर्म मैंने बताई थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो यही क्या करती है, इसको रिलीज करती है किसको, इकोनॉमिक डेटा को। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसे अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चन और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।